चलिए अब हम जानते हैं यहाँ के मधुबनी जिले जयनगर से एक युवा पत्रकार है जो काफ़ी अपने आप में वरिष्ठ हैं और जानते हैं, वो दूरदर्शन के ब्यूरो चीफ हैं, सुभाष सिंह यादव से जानते हैं और जयनगर में क्या सब है उनकी राय, चलिए जानते हैं सुभाष सिंह यादव जी से। सुभाष जी आपका स्वागत है जयनगर नाव में। धन्यवाद। सबसे पहले तो जयनगर नाव टीम को हम शुभकामनाएँ व्यक्त करेंगे कि पत्रकारिता में एक्टिव हुए हैं आप लोग। एक्टिव तो कई वर्षों से थे लेकिन अब पूरी तरह ग्राउंड पर उतर गए हैं और नीतीश की रिपोर्ट जिस तरह से आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हम ये चाहेंगे। और आप आज ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने यहाँ आए हैं कमला पुल के पास, तो हमको आप अपने चैनल पर अवसर दिए बोलने के लिए। इस माध्यम से हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ जयनगर पर्यटन की भी काफ़ी संभावना है। ये संभावना इसलिए भी है, यहाँ सावन महीने में एक महीने तक मेला लगा रहता है जहाँ की भारत और नेपाल के लोग भी श्रद्धालु आते हैं और जलाभिषेक करते हैं आसपास के शिवालयों में। इसके अतिरिक्त यहाँ जो हम देख रहे हैं कि कमला नदी से नेपाल की पहाड़ियाँ स्पष्ट दिखती रहती है, अभी भी दिख रही है क्योंकि यहाँ का वातावरण साफ है, प्रदूषित नहीं है, ये कारण भी है। लोग शहर, चूँकि जयनगर एक छोटा सा ही शहर है लेकिन एक घना शहर है, घना शहर होने के कारण लोग फुर्सत के समय चाहते हैं कि कुछ खाली समय कहाँ हम व्यतीत करें, तो उसके लिए कमला पुल एक अच्छा जगह हो सकता है समय व्यतीत करने के लिए, यहाँ आकर वो समय व्यतीत कर सकते हैं। पर्यटक क्षेत्र भी बनना चाहिए या नहीं, पर्यटन मानचित्र पर इसे उभरना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र तो है ही लेकिन धार्मिक पर्यटन हो, सांस्कृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक रूप से भी दो देशों को यह जोड़ता है सावन मेला। इसके अतिरिक्त जो लोग नेपाल जाना चाहते हैं, जैसे यहाँ से जनकपुर बहुत प्रसिद्ध नगरी है, नेपाल का एकमात्र ट्रेन है जयनगर से चलती है, इस लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है। तो कई मायनों में जयनगर महत्वपूर्ण है, कई संस्कृतियों का यहाँ संगम भी है। तो इसे अगर सरकार और भी ध्यान दे, जिस तरह से कहा जाता है, आरोप भी लगता रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजगीर पर जिस तरह ध्यान देते हैं जयनगर पर भी उसी तरह, या जैन बिहार में और भी अन्य स्थल है वहाँ ध्यान दें, तो पर्यटन की यहाँ भी काफ़ी संभावनाएँ हैं। और पर्यटन जब बढ़ेगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, टूर एंड ट्रेवल में, होटल में। नेपाल ट्रेन चलने से जयनगर के लोगों को क्या व्यापार में कुछ रोजगार मिला या कुछ बदलाव आया है? व्यापारिक स्तर पर भी सुविधा हुई है। अब जैसे 40 किलोमीटर सफ़र करके जिनको सामान लाना पड़ता था, अब ट्रेन के माध्यम से एक घंटे में पहुंच जाते हैं जनकपुर, या जनकपुर के लोग आ जाते हैं, खरीदारी करते हैं, चले जाते हैं। दरभंगा के लोग भी जयनगर आते हैं, ये सेम डे में एक दिन में दरभंगा नेपाल जाकर दर्शन भी कराते हैं, खरीदारी कराते हैं, फिर वापस भी हो जाते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी बदलाव हुआ है और आगे अभी और संभावना है। जैसे जयनगर अभी नगर पंचायत है, नगर परिषद हो सकता है, साफ सफाई ये सब पर ध्यान दें और प्रशासनिक स्तर पर अपराध पर लगाम लगे, तो काफ़ी संभावनाएं हैं। और जयनगर एकदम शांत लोगों को भी लाभ मिलेगा क्योंकि होटल व्यवसाय बढ़ेगा, टूर ट्रेवल्स होगा, तो यहाँ के स्थानीय जो लोग मान लीजिए टूर ट्रेवल का कारोबार कर रहे हैं उनको भी लोग ठहरेंगे, यहाँ खरीदारी करेंगे। जैसे हम ही लोग जाते हैं अगर मलेमास मेला में राजगीर, तो राजगीर ठहरते तो वहाँ पर व्यवसाय में काफ़ी उछाल आ जाता, तो काफ़ी संभावनाएँ हैं। और आप अपने चैनल के माध्यम से भी शहर की जो संभावनाएँ हैं वो भी दिखा रहे हैं, समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भी समस्याओं का निराकरण करके लोगों को बीच लाया जाए, प्रशासन के जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो ध्यान दें और समस्याओं को दूर करें, तो यहाँ संभावनाएं काफ़ी अपार हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुभाष सिंह यादव जी जुड़े हैं और जयनगर के तमाम चीज़ जो सब भी हुआ है आपको इस माध्यम से जानकारी दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।